ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों को टिकटॉक यूएसए का अकाउंट यूज करना चाहिए या आपको टिकटॉक यूके का अकाउंट यूज करना चाहिए, कौन सा पाकिस्तान में आपको यूज करना चाहिए, कहां से आप लोगों को ज्यादा अर्निंग होती है, मतलब यूएसए के टिकटॉक अकाउंट से आपको ज्यादा अर्निंग होती है या आपको यूके के टिकटॉक अकाउंट से ज्यादा अर्निंग होती है, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेली के बेस पर मिलती रहे। ओके गाइज, यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोनों टाइप के आप अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के बना सकते हैं। और आपको किसी बता दूं कि पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि यूएसए या यूके का टिकटॉक अकाउंट बना के वहां से लोग अकाउंट जो है ना उसको मोनेटाइज करके वहां से लोग अर्निंग कर दें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है ना यूएसए का जो टिकटॉक अकाउंट है उसमें जो आपको अर्निंग होती है वो आपको होती है यूएसडीटी, मतलब के डॉलर में। वहीं पर अगर मैं बात करूं यूके का टिकटॉक अकाउंट है उसमें आपको जो अर्निंग होती है वो आपको पाउंड में होती है। बट यहां पे अगर आप लोग बात करूं, अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं और आपका कोई रेलिवेंट वगैरह आउट ऑफ कंट्री में नहीं है तो फिर आपको कौन सा अकाउंट यूज करना चाहिए, तो फिर आपको यूज करना चाहिए यूके का टिकटॉक अकाउंट। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि जो यूएसए का टिकटॉक अकाउंट है उसमें जो आपको अर्निंग आती है वो आपकी आती है पेपाल में, और आपको पता है जो पेपाल है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को आउट ऑफ कंट्री से बाहर से आपको पेपाल बनाना पड़ता है, फिर वो बंदा आपके अकाउंट में वहां से पैसे विड्रॉ करके आपको सेंड करता है। तो मतलब एक लेंथी प्रोसेस होता है, और आप किसी पे यकीन करें वो भी मसला है कि यार किस पे आप ट्रस्ट करें या ना करें, क्योंकि आपको किसी और को अर्निंग उसके अकाउंट में जाएगी, उसके बाद फिर वो बंदा आपको आपके इजी पैसा जायज के या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ यूके के टिकटॉक अकाउंट की, तो यूके के टिकटॉक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर आपको क्या करना होता है कि आपको जस्ट आपकी जो अर्निंग होती है, जो आपके पाउंड होते हैं, वो आपके डायरेक्ट आते हैं आपके पायोनियर में। पायोनियर आपको पता है कि पाकिस्तान में वैलिड है और पाकिस्तान में अकाउंट बन जाता है, जो लोग फाइवर पर काम करते हैं वो भी पायोनियर का अकाउंट ही कनेक्ट करते हैं। तो लिहाजा पायोनियर का जब आप अकाउंट इस पे कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपको जो आपकी पाउंड होते हैं जो आपको डायरेक्ट आपके पायोनियर में आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद पायोनियर के साथ आप लोग जैस कैश को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी सहूलत मौजूद है। जब आप जैस कैश के साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपका पायोनियर अकाउंट आपके जो है ना आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो कनेक्ट होता है आपके पायोनियर के साथ, पायोनियर कनेक्ट होता है आपके जैस कैश के साथ। जैसे आप विड्रॉ करते हैं तो आपके डायरेक्ट जैस कैश में पैसे आ जाते हैं। तो लिहाजा बताने का मकसद यही था कि काफी लोग कंफ्यूज हैं, वो लोग बेचारे क्या करें कि 500 देकर हजार हजार देकर जो है ना यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बना रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी यूएसए का टिकटॉक अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि अगर आप वो बनाते तो आपको यार फायदा नहीं है, एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो वहीं पर आप कोशिश करें कि आप यूके का टिकटॉक अकाउंट बना लें ताकि वहां से आप लोग ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अब ये छोटी सी नोट बनाने का मकसद यही था कि आप दोस्तों को अलर्ट करना, आप दोस्तों को बताना कि यार आपने हरगज भी यूएसए का टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाना, आपने जस्ट यूके का बना लेना है। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका मैंने बताया है, आपको जो मेरी आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, इसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोग किस तरह यूके का टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली यूके का टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, ऐसी मजीद वीडियोज के लिए आप अभी द टेक के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो डेली के बेस पे मिलती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक रखें अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।